Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. प्यारे बच्चों, हमने सीनियर केज में पहला सबक अलिफ से लेके जिम तक के पांच हुर्फ को लिखे और पढ़े। प्यारे बच्चों, आज हम जिम के बाद कौन सा अल्फाज आता है? जिम के बाद आती है हा। हा से हम देख रहे हैं कि हा से हमामा। हा के बाद कौन सा हर्फ आता है? तो हा के बाद आता है खा। खा से खमर। खमर का माना क्या है? शराब। इसी तरह हा से हमामा का माना क्या है? कबूतर। इसी तरह दाल से डूब। डूब का माना है भालू, जिसे हम क्या कहते हैं? रीच कहते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, दाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? तो दाल के बाद आता है जाल। जाल से जिप, और जिप का माना है भेड़िया। इसी तरह जाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? जाल के बाद आती है रा। रा से रुमान, और रुमान का माना क्या है? डाडम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने ये पांच हर्फ को आज हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम जो हा, दाल, जाल और रा को हम देख रहे हैं, हमें हमारे खाने वाली अरबी की नोटबुक के अंदर हा की लाइन के अंदर नीचे हमें एक खाना छोड़कर इसी तरह लिखना है। हा से हमामा, और हमामा का माना क्या है? कबूतर। इसी तरह हा के बाद कौन सा हर्फ? खा। खा से खमर। खमर का माना क्या है? शराब। इसी तरह प्यारे बच्चों, खा के बाद एक खाना छोड़कर खा के बाद दाल। दाल से डूब, और डूब का माना क्या है? भालू। इसी तरह प्यारे बच्चों, दाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? जाल से जिप। जाल से जिप का माना है वरु। इसी तरह प्यारे बच्चों, जाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? रा से रुमान, और रुमान का माना है डाड़म। इसी तरह हा के नीचे खाना छोड़कर बाद वाले खाने में हम लिखेंगे हा से हमामा। खा। हा के बाद खा। खा से खमर। खा के बाद कौन सा हर्फ? दाल से डूब। दाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? जाल से जिप। जाल के बाद कौन सा हर्फ आता है? तो रा से रुमान। इसी तरह प्यारे बच्चों, हम हमारी खाने नोटबुक के अंदर हमारा पेज भर के हमारी नोटबुक का पेज भर के हमें क्या लिखना है? हा से हमामा। हमामा का माना कबूतर। हा के बाद खा। खा से खमर का माना शराब। खा के बाद दाल। दाल से डूब का माना रीच। दाल के बाद जाल। जाल से जिप का माना वरु, भेड़िया। जाल के बाद रा। रा से रुमान, और रुमान का माना है डाड़म। इसी तरह बच्चों, हमारा पूरा पेज भर के हमें क्या लिखना है? हा से हमामा। खा से खमर। दाल से डूब। जाल से जिप, और रा से रुमान, जिसका माना है अनार डाड़म। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हम हा से लेके रा तक हम पूरे पांच हर्फ को हम लिखेंगे और पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये हमारा रिवीजन हो जाएगा, हमें लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और पढ़ने की, और उससे कौन सा माना होता है, उसका क्या मतलब होता है, वो भी हमें समझ आ जाएगा। जिस तरह हा से हमामा को हम क्या कहते हैं? कबूतर कहते हैं। खा से खमर, जो शराब का ग्लास अरबी की बुक में हम जूनियर केज में पढ़ चुके हैं। इसी तरह दाल से डूब। डूब का माना क्या है? भालू, जो हम रीच कहते हैं ना गुजराती में, उसे दाल से डूब कहते हैं अरबी में। इसी तरह जाल से जिप, तो जाल से जिप का माना क्या है? भेड़िया। इसी तरह रा से रुमान, रा से रुमान का माना है डाड़म। इसी तरह हम अगर बोल बोल कर लिखेंगे तो हमें ये पांच हर्फ हमें लिखने भी आएंगे, उसका माना भी समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। हा से लेके रा तक हमें क्या करना है? हमारी नोटबुक में दो पेज भर कर लिखना है और पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, हम हमारा होमवर्क अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह।